हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज आपको थंबनेल के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों तो को पता ही होगा कि हम कितने भी अच्छे वीडियो बनाए तो थंबनेल के बिना उसमें व्यू ही नहीं आएंगे, क्योंकि 50% लोग थंबनेल देख के ही वीडियो पर क्लिक करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि HD थंबनेल कैसे बनाए, वो भी अपने मोबाइल से, और कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं हूँ संजय मिठापरा और आप देख रहे हो गुजू टेक्निकल। तो हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखनी, पहले है पिक्सल लैब और दूसरी हमारी फोटो जो अच्छी तरह से कट कर देंगी, वो एप्लीकेशन जो आपको बहुत ही बढ़िया लगती है वो अपनी फोटो कट करने की वजह से, इसे आपको डाउनलोड करके रखनी है। और आपके पास एप्लीकेशन नहीं है अच्छी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ए वाले वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने सारा कुछ बताया कि कैसे हमारी फोटो को कट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इधर आपको साइज सिलेक्ट कर लेनी है जो हमारे थंबनेल की साइज है। तो हमने सिंपली थंबनेल की साइज सिलेक्ट कर दिए। तो आप बहुत सारे वीडियो में देखते हो कि आधी ब्लैक और आधी वाइट थंबनेल होती है, तो वो कैसे करते हैं, तो वो भी आपको बता देना हो। तो आपको सिंपली जो झड़ी वाला आइकन है उसके बाजू का आइकन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कलर पर क्लिक करना है और गाइडलाइंस पर क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम सिंपली इसे रखते हैं जो आधी ब्लैक और आधी ग्रे है। तो इसे भी यहाँ से आप जो भी चाहे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सभी में यही यूज़ करता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं कहीं कहीं बहुत ज़्यादा वाइट है। तो इसे कैसे ठीक करना है, तो आपको सिंपली प्लस पर क्लिक करना है और आपको सिंपली इधर ले जाना है और इधर आपको ऐसे कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सिंपली हमारी बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। फिर आपको क्या करना है, सिंपली अपने जो फोटो क्रॉप की थी, तो पहले तो मैं नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपने जो फोटो कट की थी उसे आपको सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने फोटो कट की थी वो इधर आ चुकी है। तो इधर आपको इसे इधर रख देना है। अभी सिंपली ऐसे ही रखना है, जो आपको बहुत इसे कुछ भी नहीं करना। फिर आपको मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सी थंबनेल बना। तो मैं इसी वीडियो के थंबनेल बना रहा हूँ। तो अब क्या करना है, मुझे सिंपली एक YouTube का लोगो चाहिए। तो इसे भी हम ले लेते हैं लोगो, उसे भी कट करके रखना है ताकि बहुत ही बढ़िया लगे। फिर आपको इधर लगा देना है और इधर डाल देना है। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे वीडियो किसके बारे में है, जो मोटा टैग है उसे आपको इधर लिख देना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ थंबनेल। इधर सिंपली लाना है और इधर टाइप कर देना है थंबनेल। तो हमने इधर लगा लिया थंबनेल। फिर क्या करना है कि हमारे जो मेन टाइटल है वैसा कुछ लिखना है। तो इधर भी हम टेक्स्ट करेंगे और इधर लिखेंगे कि मोबाइल से प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएंगे। तो ये हम हमारा टी कर देंगे कैपिटल। तो अभी आप देख सकते हैं इधर हमारा लिखा हुआ आ चुका है। और अभी भी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो हम बहुत मुख्य दिखाने, जो हम अपने व्यूअर को दिखाना चाहते हैं। तो सिंपली प्लस पर क्लिक करेंगे और जो हमने अभी तो मैं आपको देखा रहा थंबनेल के बारे में, तो मैं जो पहली की थंबनेल है वो इधर लगा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ऐसी मैं थंबनेल बना सकता हूँ, मैं आपको ऐसा बता सकता। तो ये हमारा सिंपली पिक्सल लैब में सारा मटेरियल आ चुका है। फिर हमको क्या करना, सभी को एडिट करना है। तो इधर हमको जो अच्छा लगे उसे पेस्ट कर देना और इधर हमको सिंपली थंबनेल का टेक्स्ट चेंज करना है। तो इधर मैं इसे साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ और इधर कलर भी वाइट ही रहने देता हूँ। फिर इधर आपको फॉन्ट चेंज करना है, तो चलिए मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और अम्बरन बोल्ट ले लेता हूँ। फिर आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारा लोगो है उसकी तरह हमारे इसे साइज बढ़ा देने। तो चलिए मैं बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि साइज बढ़ चुकी है और भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हो कि बढ़ चुकी है। तो थोड़ा सा छोटा लोगो कर देता हूँ और इधर आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा लिख रहा है। तो अब क्या करना है, सिंपली इधर आपको शेड डाल देनी है। तो इधर हम लेते हैं शेडो और क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। फिर हमको क्या करना है कि हमारे ये फोटो कैसे रखना है,
फ्रीजर भी सिंपली ऐसे करके यहीं पर ही रख देते हैं और थोड़े से इसे साइड में लेके इसे बड़ा कर देते हैं ताकि ये हमारा मेन है तो इसे हमको बहुत ही बड़ा रखना है अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हो कि इधर आ चुके हैं। अब क्या करना है, इसे भी शेडो डाल देना, तो इसे भी हम डाल देते हैं। हम देख सकते हैं कि इधर भी आ चुका, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और अब हमारी फोटो की बात है तो इसे भी हम अपने थंबनेल के जैसे बड़ा रख देंगे, जैसे हो चुका है प्रोफेशनल। फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो लास्ट में जो हुआ टेक्स्ट उसे भी एडिट करना। तो इसे सिंपली आपको जो भी बैकग्राउंड कलर अच्छा लगे वो हम रखते हैं, तो हमारे ब्लैक के साथ येल्लो बहुत ही अच्छा लगेंगे, तो बैकग्राउंड में हम येल्लो ले लेंगे। चलो ले लिया। अब हमको टेक्स्ट का कलर रखना है ब्लैक, क्योंकि येलो और ब्लैक बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है, आप देख सकते हो बैठ चुका है। फिर हमको सिंपली डबल टैप करना है और इधर बीच में ले लेना है, तो जैसे बीच में लेंगे कुछ ऐसा बन जाएंगे। फिर हमको टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना, जो भी बढ़िया लगे वो हम रख देते, तो अभी हम यही रख देते हैं जो पहले वाला, तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया लगे। अब क्या करना है, इसे सिंपली कर्वा कर देना है, तो बैकग्राउंड में जाएंगे और इधर हम रेडियस को बढ़ा देंगे, जैसे आप देख सकते हो। हम देख सकते हो कि अब लग रही है हमारी थंबनेल प्रोफेशनल। अब इसे एडजस्ट कर देना है बहुत ही बढ़िया, और हमारी फोटो को भी हम बड़ा कर देंगे और हमारी फोटो पर भी शेडो लगानी है तो इसे भी हम शेडो लगा देते हैं। अब देख सकते लग चुकी है, और इधर हम वाइट जो बैकग्राउंड होती है वाइट स्ट्रोक लगा देने, तो इसे भी हम लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी थंबनेल एकदम प्रोफेशनल हो चुकी है। सी हमारी थंबनेल कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको क्या करना है, सेव आइकन पर क्लिक करना है, सेव इमेज, और इधर आपको फुल चार्ज जो अल्ट्रा होती है इसे आपको सिलेक्ट करके सेव टू गैलरी कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपकी थंबनेल बहुत HD में हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बताइए ताकि मैं आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।